शहर के अजमेर रोड वार्ड संख्या 60 के गांव मिश्रीपुरा में नियमित साफ सफाई के अभाव में हर तरफ गंदगी का आलम पसरा हुआ है। समय पर सफाई नहीं होने के कारण क्षेत्रवासी गंदगी के साथ जीने के लिए मजबूर है। क्षेत्र में कचरा निस्तारण प्रबंधन सही नहीं होने के कारण हर तरफ कचरा फैला हुआ है, जिसके कारण क्षेत्र के बच्चे तथा बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं। कचरा तथा गंदगी से परेशान क्षेत्र की महिलाओं ने गुरुवार को शक्ति महिला मजदूर संगठन ब्यावर के बैनर तले नगर परिषद आयुक्त को एक ज्ञापन दिया। परिषद आयुक्त के नाम दिए गए ज्ञापन में क्षेत्र की महिलाओं ने क्षेत्र की कचरा निस्तारण की व्यवस्था को दुरुस्त करवाने तथा नियमित साफ सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त करवाने तथा नियमित साफ सफाई की व्यवस्था करवाने की मांग की है। महिलाओं ने बताया कि शहरी क्षेत्र में स्थित होने के बाद भी मिश्रीपुरा में कचरा संग्रहण वाहन नहीं आता है, अतः क्षेत्र में कचरा संग्रहण वाहन को भिजवाने की व्यवस्था करावे। ज्ञापन देने वालों में शबाना बानो, वीना चौहान, लक्ष्मी रिंकू, रेहाना बानो, समदा बानो, रेशमा बानो, सुमन देवी, संपत्ति देवी, खुशबू चांदी बेगम, बिनेना देवी तथा तरन्नुम सहित अन्य महिलाएं शामिल थी। आपको अध्यापक दिया है उनके पीए को, हमें ना 2 साल से परेशान है। हमारे यहाँ ना तो कचरे की ट्रोली आती है और नई नाली का संविधान हो रहा है। रानी बाग रिसोर्ट जाती है और हमारे यहीं से निकल के जाती है। हम कहते हैं इस गली से घुस के, इस गली से निकल जाओ, हमारे यहाँ भी आओ। हम नगर परिषद भी जा चुके हैं, पार्षद के पास भी जा चुके हैं, अब हम आज यहाँ आए हैं। 2 साल से परेशान है, ये देखो हमारे पास सब चीज़ के ना प्रूफ है कि यहाँ पे कचरे की कचरा बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, गंदगी रहती है चारों तरफ। कचरे की गाड़ी नहीं आती है, कचरे की गाड़ी नहीं आने से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है हमारी बहनों को और हमें भी प्रॉब्लम हो रही है। इससे हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि यहाँ पे एक तो गंदगी नाली सफाई कर्मचारी एवं कचरे की गाड़ी उपलब्ध कराई जाए, ताकि यहाँ के हमारे वासी, हमारे जो क्षेत्रवासी है वो अपनी समस्या से निजात पा सके और इन बीमारियों से बच सकें।